चलिए स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों ने कहां तक देखा है, आर्मेचर रिएक्शन तक हम लोगों ने स्टडी किया है कि आर्मेचर रिएक्शन भाई कैसे कैसे अपना काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, हम लोग इसमें ये पढ़ चुके हैं अभी आर्मेचर रिएक्शन में कि ये मोटर जब ओवर एक्साइटेड मोड में होगा तो ये लीडिंग पावर फैक्टर में कार्य करता है। अभी आएंगे वहां पर भी, तो अभी हम देखना चाहते हैं, देखिए एक्साइटेशन का प्रभाव, यानी कि हम लिखेंगे इस मोटर में उत्तेजना यानी कि एक्साइटेशन को बदलकर पावर फैक्टर बदला जा सकता है, पावर फैक्टर बदला जा सकता है। तो इस मोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस मोटर में उत्तेजना एक्साइटेशन को बदलकर पावर फैक्टर को बदला जा सकता है। चलिए जी देखिए कैसे हम कहते हैं यहां पर कि पीछे क्या चलेगा, पीछे चलेगा यहां पर एक्साइटेशन, आगे क्या है देखो आर्मेचर, पीछे क्या बताया था मैंने आपको, ये आई ए एक्स एक्स, अगर इसकी आपको, इसकी वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है डायग्राम की, फिर भी मैं बनवा रहा हूं आपको समझाने के लिए, कुछ याद रह जाए, जो बिंदु लिखाऊंगा वो बहुत खास होंगे। ये है देखिए एक्साइटेशन, अब वोल्टेज और ई एफ के बीच जो एंगल है वो है देखिए डेल, जिसे हम लोड एंगल भी कहते हैं। एक पॉइंट को और लिखेंगे, चाहे हम जनरेटर के लिए बात कर रहे हैं चाहे हम मोटर की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि नो लोड पर पावर एंगल, या जो ये हमने लोड एंगल लिखा है ये एक ही है, यानी डेल बराबर जीरो होता है, डेल बराबर जीरो होता है। इसका मतलब वोल्टेज यानी कि सप्लाई वोल्टेज वी, इसका मतलब है सप्लाई वोल्टेज वी तथा एक्साइटेशन वोल्टेज ईएफ एक ही फेज में होंगे। इसी लाइन पर क्या होगा, ईएफ एक ही फेज में होंगे, क्या कहा हमने, एक ही फेज में होंगे। तो बेटा क्या कहानी है, यहां हमने यूनिटी है, इकाई पावर फैक्टर है, क्या लिया हमने फिलहाल, ये इकाई पावर फैक्टर पे चल रहा है। यदि हम एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, मतलब है ये अब यहां पर जाएगा आई ए डैश और एक्स एक्स, तो जो धारा होगी वो ऊपर चली जाएगी, यानी एक्साइटेशन बढ़ाने से धारा किस तरफ बढ़ी है, अग्रगामी की तरफ बढ़ी है, और पावर फैक्टर किस तरफ घटा है, मैं बात कर रहा हूं देखिए कोण तो बढ़ रहा है लेकिन पावर फैक्टर घट रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग इस तरफ को चलेंगे यानी कि एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं, उत्तेजना को बढ़ाएंगे, तो पावर फैक्टर अग्रगामी दिशा में कम होता रहेगा, और यह आर्मेचर करंट अग्रगामी दिशा में बढ़ता रहेगा। चलिए इस बिंदु को लिखेंगे, यदि ईएफ, समझ गए ना, एक्साइटेशन वोल्टेज
तो देखिए यहां पर हम यदि ईएफ को वोल्टेज वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और देखिए ईएफ की जगह आईएफ भी हो सकता है, चिंता ना करें बिल्कुल भी, को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर धारा अग्रगामी दिशा में बढ़ेगा तथा पावर फैक्टर अग्रगामी दिशा में घटेगा। हमने कहां से बात की है, देखिए जी यहां से, अगर ये यूनिटी पे चल रहा है तो यहां से बात की है हमने। अगर अब देखिए हमने यूनिटी से एक्साइटेशन को घटा दिया, ये ई एफ डबल डैश, यहां लाइन आ जाएगा आई ए डबल डैश और एक्स आई, तो जो आर्मेचर धारा है ना वो नीचे भाग जाएगा आई ए डबल डैश, ओके जी। तो यहां अग्रगामी दिशा में घटेगा, एक लाइन और लिख लेंगे, तथा लोड एंगल, जब एक्साइटेशन बढ़ता है तो लोड एंगल घट जाता है, लोड एंगल घट जाता है, ये हो गए देखिए कहानी। अब हमने देखे क्या लिखना है, यदि एक्साइटेशन को घटाते हैं तो आर्मेचर धारा ये कौन सी दिशा है, देखिए करंट का नीचे आने का मतलब क्या होता है, पश्चगामी, करंट का आगे चलने का मतलब अग्रगामी और पीछे चलने का मतलब पश्चगामी। यदि एक्साइटेशन को घटाते हैं तो आर्मेचर धारा पश्चगामी दिशा में, ये देखो आर्मेचर धारा पश्चगामी दिशा में बढ़ती रहती है तथा पावर फैक्टर पश्चगामी दिशा में घटेगा, पावर फैक्टर पश्चगामी दिशा में घटेगा तथा लोड कोण बढ़ जाता है, लोड कोण बढ़ जाता है, ओके जी। एक लाइन और लिख लेंगे अच्छा रहेगा, देखिए एक लाइन और लिख लेंगे, मोटर पर लोड बढ़ाने से पावर फैक्टर कम हो जाता है तथा मोटर पर लोड घटाने से पावर फैक्टर बढ़ जाता है, पावर फैक्टर बढ़ जाता है। अब इसी से हम दो कर्व ड्रॉ करते हैं, देखिए एक होता है वी कर्व, तो वी कर्व जनरेटर की तरह ही, बस अंतर क्या आएगा या किसके बीच खींचे जाएगा, आई एफ और आई ए, ये पहले भी लिखवा चुका हूं। तो ये क्या बनता है, यहां यूनिटी इकाई, तो जनरेटर में आई एफ बढ़ने से पावर फैक्टर लैगिंग था, यहां है अग्रगामी,
और इस तरफ को है ये पश्चगामी। तो वी कर्व किसके किसके बीच खींचा जाता है, ये बड़ा ही खास हो जाता है, आईएफ के बीच खींचा जाता है और आईए के बीच में। फिर होता है इन्वर्टेड वी कर्व, उल्टा वी कर्व। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, यह आईएफ इसे क्या कहेंगे हम, एक्सर्टेशन तथा पावर फैक्टर के बीच खींचा जाता है। यह एक्साइटेशन तथा पावर फैक्टर के बीच खींचा जाता है। ये हो गया देखिए हमारी एक्साइटेशन की कहानी। तो यहां से भी पेपर में चीजें बनती हैं और बहुत खास चीजें हो जाती हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं। हो गया देखिए, मेरे साथ साथ में पढ़ लो यार ये चीजें, कई कई बार चीजें आ रही है ना, जनरेटर में ये चीजें हैं, मोटर में ये चीजें हैं, तो मेरे साथ साथ ही पढ़ लोगे ना तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है। अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं कि भाई सिंक्रोनस मोटर के क्या क्या लाभ होते हैं। सिंक्रोनस मोटर के लिख लेते हैं कि क्या क्या लाभ हो जाते हैं, राइट। चलेंगे कि सिंक्रोनस मोटर के देखिए क्या क्या लाभ होते हैं। चलिए जी पहले देख लेते हैं सिंक्रोनस मोटर के लाभ क्या क्या है। सिंक्रोनस मोटर के लाभ, तो सिंक्रोनस मोटर के लाभ क्या है, यह है प्रत्येक लोड पर समान गति से चलता है। क्या कहेंगे, यह है प्रत्येक लोड पर समान गति से चलता है। फिर दूसरा, यह इकाई अग्रगामी तथा पश्चगामी पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है, यह सक्षम है इसका, राइट ना। यह अग्रगामी पश्चगामी और इकाई पावर फैक्टर पे काम कर सकता है। अगर समस्या कुछ हो जाए तो इस मोटर को हम अल्टरनेटर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे अल्टरनेटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है, इसे अल्टरनेटर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। तो हम कहते हैं वोल्टेज के घटने बढ़ने का मोटर पर कम प्रभाव होता है, कम प्रभाव होता है। मोटर के घटने या बढ़ने का मतलब वोल्टेज के घटने या बढ़ने का मोटर पर कम प्रभाव होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिंक्रोनस मोटर की हानि। देखिए जी नुकसान क्या क्या है, देखते हैं हम लोग के नुकसान क्या क्या है। तो
एक नुकसान है सबसे ज्यादा जो, यह है सेल्फ स्टार्ट नहीं है। फिर दूसरा, सेल्फ स्टार्ट नहीं है, इसमें एसी व डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें एसी व डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें गति परिवर्तन नहीं कर सकते, गति परिवर्तन की कोई मतलब नहीं है। इसमें हंटिंग होती है। नंबर पांच, यह महंगी होती है, यह महंगी होती है। हमने क्या लिया है कि ये महंगी मिलती है। अगर हम बात करेंगे कि सिंक्रोनस मोटर के उपयोग क्या क्या है, सिंक्रोनस मोटर के उपयोग क्या क्या है, तो देखिए जी, यह है मोटर, यह मोटर ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करता है। दूसरी चीज, यह बस बार का पावर फैक्टर बढ़ा सकता है, यह बस बार का पावर फैक्टर बढ़ा सकता है, यह स्थिर गति वाले मशीनों को चलाता है, जिनकी गति जो है वो स्थिर डिमांड कर रही है कि भैया कांस्टेंट गति है, तो ये यूज हो जाता है बड़े पंखों में, कंप्रेसर के साथ, रोलिंग मशीन, पेपर फैक्ट्री और सीमेंट फैक्ट्री। फिर चलते हैं, देखिए, स्पीड रेगुलेशन। तो देखो, ये मोटर की गति, देखिए इसकी गति स्थिर होती है, बदलती नहीं है, स्थिर है, इसलिए इसमें स्पीड रेगुलेशन शून्य होता है। क्या होगा? स्पीड रेगुलेशन शून्य होता है, क्योंकि इसमें गति बदलती नहीं है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये चीजें हो गई। अब हमें ये देखना है कि मोटर अगर बिना लोड के ओवर एक्साइटेड मोड में चल रहा हो तो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये बिंदु हम लोग लिखेंगे, ये पॉइंट हम लोग देखे कैसे देखेंगे।
अब देखिए इसमें लाइन को याद रखिएगा, यदि सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पर, सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पर कोई लोड ना हो और वह ओवर एक्साइटेड मोड में चल रहा है, तो वह ओवर एक्साइटेड मोड में चल रहा है तो यह लीडिंग या विद्यार्थियों अग्रगामी, लीडिंग या अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करता है तथा इसे सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कैपेसिटर सिंक्रोनस कंडेंसर सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंक्रोनस मोटर यदि नो लोड पर चल रहा है, ओवर एक्साइटेड मोड में चल रहा है, तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यह लीडिंग या अग्रगामी पावर फैक्टर पर कार्य करेगा तथा इसे सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर के नाम से भी जाना जाएगा। ओके विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम लोग एक पढ़ते हैं हम लोग देखिए हंटिंग, हम पढ़ते हैं देखिए हंटिंग इफेक्ट क्या है, हंटिंग प्रभाव। देखिए हंटिंग क्या है, देखिए हम कहते हैं जब सिंक्रोनस, ये देखो ना याद रखिएगा, वैसे तो ये दोनों में है, जनरेटर में भी जब साइलेंट पोल यूज करेंगे तब हम हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए डैम्पर बाइंडिंग यूज करते हैं, तो यहां देख रहे हैं जब सिंक्रोनस मशीन पर लोड को बदल दें तो उसके गति में हल्का सा परिवर्तन आता है तथा रोटर नई संतुलित तथा रोटर नई संतुलित अवस्था में जाने लगता है, तो रोटर में जो ऑसिलेशन यानी कि फ्लक्चुएशन दोलन ऑसिलेशन होते हैं उसे ही हंटिंग कहते हैं, हंटिंग को
कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे? डैम्पर वाइंडिंग को यूज करते हैं। कमाल हो गया हंटिंग अपना, क्लियर। अब चलते हैं सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने की विधि। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने की विधि, सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने की विधि पर आ जाओ। चलिए जी, देखिए सिंक्रोनस मोटर के स्टार्ट करने की विधि पर आते हैं। तो आपको यहां ध्यान देना है, देखिए एक होती है इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। तो जो इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किया जाता है इसे हम कहते हैं पोनी मोटर। ये जो छोटा इंडक्शन मोटर है ना, इसे ही हम लोग कहते हैं पोनी मोटर स्टार्टिंग। तो इस विधि में हम देखें क्या करते हैं, इस विधि में इंडक्शन मोटर तथा सिंक्रोनस मोटर, देखिए इन दोनों मशीन में इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर को हम मैकेनिकल कनेक्ट रखते हैं। ये हमने दिखाया है एक्साइटेशन। तो दोनों मशीन के इनके जो पोल है वो सेम होने चाहिए। हम लिखेंगे दोनों मशीन के पोल समान होने चाहिए, दोनों मशीन के पोल समान आने चाहिए। तो हम कहते हैं पहले सिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर की मदद से घुमाना शुरू करते हैं, घुमाना शुरू कर देते हैं। चलिए जी, कर दिया घुमाना शुरू। तथा जब यह 70%, ये लगभग स्पीड है, 70% गति पर चलने लगे तो सिंक्रोनस मोटर पर उत्तेजना लगाने पर चलने लगे तो ऐसा करेंगे, पूरी लाइन को सही दिखता है, चलने लगे तो पहले इंडक्शन मोटर को हटा देंगे तथा तुरंत एक्साइटेशन अप्लाई करेंगे। एक्साइटेशन लगा देंगे तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाता है, इसमें सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाएगा, राइट। ये हो जाता है पोनी मोटर स्टार्टिंग, इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग। ऐसी ही होती है डीसी मोटर
स्टार्टिंग। तो डीसी मोटर स्टार्टिंग और इसमें कोई अंतर नहीं है, ये काम सेम तरीके से करेगा। बस इसमें क्या है, यहां इसमें हम डीसी मोटर को चलाएंगे और ये आ जाता है यहां पर सिंक्रोनस मोटर। तो ये सेम इसी की तरह है कि पहले इसे घुमाएंगे, जब 60-70 प्रतिशत स्पीड पे चला जाएगा इसको हटा देंगे और एक्साइटेशन जोड़ देंगे, एक्साइटेशन को जोड़ देंगे। ओके जी, चलिए एक और होता है डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग को हमने देखा भी है, हम यहां पोल फेसेस में भर देते हैं। तो इस मोटर में जब हम रोटर पर स्टेटर पर सप्लाई देते हैं तो डैम्पर वाइंडिंग की मदद से हम लोग लिखेंगे इस मोटर में जब स्टेटर पर सप्लाई देते हैं तो यह डैम्पर वाइंडिंग की मदद से इंडक्शन मोटर की तरह चलने लगता है, तथा जब यह 60% गति प्राप्त कर लेता है तो इस पर एक्साइटेशन लगा देते हैं तथा यह सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाएगा। क्या करेगा, सिंक्रोनिज्म में प्रवेश कर जाएगा। ये हो जाते हैं देखिए स्टार्टिंग के इसके मेथड, ये भी अपने इंपॉर्टेंट मेथड आते हैं। तो आपको पूछेगा हंटिंग क्या है, लोड के बदलने से जो रोटर में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ऑसिलेशन देखने को मिलते हैं, वो हमारे लिए है साधारण सी बात है। हंटिंग इसे कम करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, राइट जी। सिंक्रोनस मोटर की शाफ्ट पे कोई लोड ना हो, ओके, और कोई लोड ना हो और एक्साइटेड मोड में चल रहा हो तो लीडिंग पावर फैक्टर पे कार्य करता है और इसे हम लोग पावर फैक्टर करेक्शन या पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक से बढ़कर एक।